राधे सभी भक्तों को, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए भक्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में महाशिवरात्रि व्रत कब रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भक्तों, आदिदेव भगवान शिव और माँ शक्ति के मिलन का महापर्व है। शिव और शक्ति का हुआ था मिलन। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य का जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। हिंदी पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला महापर्व है। यह महापर्व शिव भक्तों को इच्छित फल, सौभाग्य, समृद्धि, संतान व आरोग्य प्रदान करने वाला व्रत है। सारे देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे लोकप्रिय देवता हैं और देवों के देव महादेव में भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं। शिव जी को भंडारी के नाम से भी पुकारा जाता है, अतः सरल तरीके से प्रश्न किया जा सकता है। वैसे तो इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं मान्य हैं, परंतु हिंदू ग्रंथ में शिव पुराण की मुख्य सर संहिता के अनुसार इस पावन तिथि की महानता में भगवान शिव जी का विराट रूप प्रतीत शिवलिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के द्वारा किया गया था, जिस कारण इस तिथि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है? भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। शिवरात्रि के दिन व्रत और उपवास रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ की शादी माँ शक्ति के संग हुई थी, जिस कारण शिव भक्तों द्वारा रात्रि के समय इस दिन भगवान शिव जी की बारात निकाली जाती है और शिव भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने वाला मनचाहा वर की प्राप्ति कर सकते हैं और शादीशुदा महिलाएं व्रत करके अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांग सकती हैं और जिनकी सफलता की कामना कर सकती हैं। और जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं, इस दिन शिव जी से संतान सुख का आशीर्वाद मांग सकती हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि को जल्दी सुबह स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर और मंदिर जाकर शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए। इसी दिन आप शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें और सफ़ेद चंदन का तिलक करें, फूल माला चढ़ाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा के फूल आदि अर्पित करें और धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। भक्तों, इस दिन पूरा दिन उपवास रखना चाहिए और ख़ास ही इस दिन सुबह प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो शिव जी का रुद्र अभिषेक करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और संभव हो सके तो पूरे परिवार सहित करें। अभिषेक का आयोजन अवश्य करें और इस दिन शिव जी के पाठ में शिव महापुराण, शिव पंचाक्षर मंत्र, शिव स्तुति, शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत का पाठ करना उत्तम माना गया है। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2023 8:02 पर शुरू होगी और चतुर्दशी तिथि समाप्त 19 फरवरी 2023 4:18 पर हो जाएगी और निस्ताकाल पूजा का समय 12:09 से लेकर रात 1 बजे तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 51 मिनट की रहेगी और महाशिवरात्रि पारण का समय 19 फरवरी 2023 6:56 से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा।
तो भक्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट के जरिए या फिर वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तो चलिए, जब तक आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।